हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दीक्षिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आई। आज की अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमें सभी को पता है कि 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन का जो प्रेशर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो आज अगर हम देखेंगे तो CBSE बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए स्टूडेंट, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यूज़फुल वीडियोस होंगे, वो आपको पहले मिल पाए। स्टूडेंट्स, कल हमने एक देखा था वीडियो में कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से यहाँ पे PMG को लेटर गया है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए। उसी के साथ कल एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था CBSE एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से और बाकी सेक्रेटरीज की तरफ से, तो वहाँ पे एक फाइनल डिसीजन कोई भी नहीं आया था। बट अगर आज हम देखेंगे तो वापस एक मीटिंग कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब आपके लिए यहाँ पे सोचना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये एक अच्छी बात है। उसी के साथ कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअल पॉइंट्स है और किस तरह से आपके एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, कैंसिलेशन का प्रेशर है, वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको कंप्लीट और राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें। सो आइए शुरू कर दें। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल आया है। यहाँ पे आप देखो 9/38 का ही अपडेट है स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम 2021 न्यूज़ लाइव, सेंटर सीक स्टेट व्यू ऑन होल्डिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो क्लास के 12 बोर्ड एग्जाम है उनके बारे में जो फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू हो गया, मीटिंग शुरू हो चुकी है स्टूडेंट। तो अभी हम देखेंगे कि मीटिंग में क्या क्या होने वाले। तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे, सेंटर सीक स्टेट व्यू ऑन होल्डिंग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, तो जो मैंने यहाँ पे येलो में मार्क किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। द मैटर ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ऑल्सो केम अप फॉर द डिस्कशन एंड द मिनिस्टर आस्क्ड फॉर द ओपिनियंस ऑफ द स्टेट इन दिस रिगार्ड। हमें पता है कि कल एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था जहाँ पे 12 के बारे में भी डिस्कशन किया गया था और बाकी सब स्टेट से भी ओपिनियन मांगा गया। मतलब अगर सभी स्टेट से ओपिनियन मांगा जाएगा, सभी का ओपिनियन मांगा जाएगा, तो डेफिनेटली कैंसिलेशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। उसी के साथ अगर हम देखेंगे, द पेंडेमिक हैज़ डिसरप्टेड द एजुकेशन करिकुलम फॉर नियरली 15 मंथ्स सिंस मार्च 2020 इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे, CBSE, CISE एंड मैनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैव कैंसल पोस्टपोन फॉर देयर बोर्ड एग्जाम। CBSE विच हैड अर्लियर पोस्टपोन द क्लास 12th एग्जाम इज गोइंग टू अंडरटेक अ रिव्यू द सिचुएशन ऑन और आफ्टर जून 2021। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो CBSE बोर्ड है उनने 12th के एग्जाम को पोस्टपोन रखा है, अभी उसके बारे में वापिस से सोचा जाएगा और उसका रिजल्ट आपको June 1 या आफ्टर June 1 मिल सकता है। तो जिस तरह से मैंने कल ही बताया था कि 25 या 24 मई को एक बड़ी अपडेट आ सकती है, और इससे पहले जो मीटिंग में कंडक्ट हो रहा है वो अपडेट्स आती रहेगी, तो आप चैनल पे बने रहिए। उससे हमें ये समझ में आएगा कि आपके जो चांसेस है कैंसिलेशन के वो कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और अगर उसमें स्टूडेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपका पार्टिसिपेशन भी लगेगा। तो आप चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे, द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सजेस्टेड दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड विद टैबलेट एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो ये भी एक मुद्दा रखा गया है कि आपके लिए टैबलेट या इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। दे ऑल्सो हाईलाइटेड द ग्रोइंग डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम एंड सेड दैट स्टेट शुड बी कंसल्टेड बिफोर डिसाइडिंग ऑन द इश्यू। मतलब ये एक बड़ी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे कि ये डिमांड, दैट इज़ ग्रोइंग डिमांड, अगर हम देखेंगे पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम या कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्टेट को कंसर्न करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग, मिनिस्टर्स देन सॉट सजेशन फ्रॉम सर्टन स्टेट्स। आगे अगर हम देखेंगे, दिस इज़ अ बिगेस्ट मीटिंग हेल्ड ऑन स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग पेंडामिक। तो यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की गई है, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे डिसीशन ही आगे हमें देखने मिलेंगे।
और उसी के साथ अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये मीटिंग में पेंडामिक का तो डिस्कशन हुआ ही है, उसी के साथ नेशनल टेस्ट एजेंसी हम मैनेज टू डिलीवर एजुकेशन ऑनलाइन एज वेल एज कंडक्ट पब्लिक एग्जाम लाइक जी नेट यू जी एक्सेट्रा. अवर एफर्ट्स एंड कमिटमेंट इंश्योर्ड कंटिन्यूस ऑफ एजुकेशन फॉर 240 million स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये किसके तरफ से, यहाँ पे जो पब्लिक एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं उनके बारे में है. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे और एक मुद्दा रखा गया है कि वी हैव ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल ऑफ इंश्योर दैट नो स्टूडेंट फेस अ ईयर लॉस, ऐसा यहाँ पे मुद्दा रखा गया है. नेक्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू फेस अ न्यू चैलेंजेस वी नीड टू हैव अ जॉइंट स्ट्रैटेजी. मतलब ये सिचुएशन ही इतना वर्स्ट है स्टूडेंट्स के, यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर स्टेट काम करेगा तो कोई ज़्यादा कंक्लूजन नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे ये रखा गया कि सभी को मिलके एक जॉइंट स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे और आपके बारे में एक अच्छा कंक्लूजन लाएंगे. और लास्ट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि द सेकेंड वेव हैव फोर्स एजुकेशन मिनिस्टर टू रिमेन क्लोज फॉर ऑल लॉन्गर पीरियड. व्हाई वी हैव इंश्योर्ड दैट स्टूडेंट्स आर लर्निंग एट होम थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स. ये भी मुद्दा रखा है कि बहुत अलग अलग तरीके से घर पे बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ाई करें. वी शुड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर इज अ डिजिटल गैप सो दैट वी कैन एम्पावर द लोकल बॉडीज एनजीओ पेरेंट्स एंड टीचर्स. मतलब अगर हम बात करेंगे इसी तरह से आगे चलता रहेगा तो यहाँ पे सर्टेन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाले हैं टू द टीचर्स टू द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर गाइडेंस, ये सब आगे आने वाले. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, एक अच्छा बदलाव देखने मिलेगा. और जो अभी के 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम तो कैंसिल होने के चांसेस बढ़ी गए. आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक तरफ से, स्टेट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, इवन जो कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम है उसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है. सिर्फ फाइनल जो डिसीजन है वो एक एक करके आएगा, साथ में वो रिलीज नहीं करेंगे. सो टिल जून 1 आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा. उसके पहले बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आएंगे जिसके कारण आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका पार्टिसिपेशन लगेगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो CBSE 12 बोर्ड एग्जाम पेरेंट्स वांट एग्जाम्स टू बी कैंसल. ये देखो 23 May 2018 का ही अपडेट है स्टूडेंट. इसमें वापस से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पेरेंट्स ने ऑलरेडी PM को तो लेटर लिखा है, पेरेंट्स एसोसिएशन है, उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्स कैंसिल होने के चांसेस वापस से बढ़ गए स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेशर सभी की तरफ से. तो ये एक अच्छी अपडेट है. CBSE येट टू टेक फाइनल कॉल ऑन कंडक्टिंग द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एंड द लास्ट इफ आई कंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ पेंडामिक ऑन एजुकेशन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वेर होपफुल दैट गवर्नमेंट विल अनाउंस द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12. The government, however, did not make any announcement whether or not exams will be conducted or cancelled. अभी तक cancel हुआ है ऐसा नहीं है students, but यहाँ पे आगे future में जल्द ही decision मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सभी की तरफ से pressure है. And एक last update अगर student में बोलूँ तो education minister meeting today with vice chancellor of central university. तो यहाँ पे देखो ये भी मैं 18 का ही update है, 8:37 का ही update है morning का, जिसमें आप देख सकते हो कि आज मीटिंग कंडक्ट होने वाला है जहाँ पे अगेन आपके बारे में, इवन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सभी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा. तो लेट्स सी ये जो मीटिंग कंडक्ट हो रहा है उसमें क्या डिस्कशन होता है, क्या हाईलाइट्स हमें पता चलते हैं, क्या एक्चुअल में डिस्कशन हुआ है वो समझता है. तो आप बने रहिए स्टूडेंट चैनल पे, लेट्स होप फॉर द गुड डिसीजन. एंड अगर आप पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट्स तो आप थोड़ा बहुत ही कीजिए पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ाई मत कीजिए. जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट जरिए एटलीस्ट गो थ्रू विद द MCQ एंड ऑल, बिकॉज एग्जाम के चांसेस बहुत, कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ गए. सो लेट्स सी, आप बने रहिए चैनल पे एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप supporting, stay healthy, stay safe. Thank you.